approach of collaboration and understanding. I would once again like to thank all of you for hearing me out. I would like to thank CII for giving me this platform to speak about my experience. And I'd like to congratulate the government of Uttarakhand, the Honorable Chief Minister and his entire team on this wonderful opportunity that they're laying out for the business community. I wish you all the very best. Thank you very much. Thank you, sir, for sharing interesting anecdotes with all of us. Now, here comes the most anticipating moment, the one we have been waiting for a long time. It is now my honor and privilege to invite on stage our Honorable Chief Minister, Shri Pushkar Singh Dhami Ji, to say a few words and share his vision for making Uttarakhand a global investment destination. Please welcome him with a huge round of applause, everyone. Destination Uttarakhand Investor Global Summit. मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्योग जगत के सभी निवेशकों को और आए हुए सभी अतिथियों को, उपस्थित पत्रकार मित्रों को, छायाकार मित्रों को, सभी सम्मानित प्रतिनिधियों, देवियों एवं सज्जनों, मैं यहाँ आप सबके उपस्थित होने पर आप सभी का अपनी ओर से उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि अभी तक आप लोगों ने पूरे हमारे सभी अधिकारियों ने और जिन लोगों के उत्तराखंड के साथ एक्सपीरियंस है, इनके अनुभव रहे हैं, उन्होंने आप सबके सामने बहुत विस्तार से बात रखी। कहीं आप लोग बहुत देर से बहुत लोगों को सुन लिया, आपने कहीं थक तो नहीं गए? हे मानसू जी, थके तो नहीं है ना? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मस्य मूलम अर्थम, यानी कि धर्म का पालन व्यक्ति तभी कर सकता है जब उसके पास अर्थ की व्यवस्था हो। और हमारे यहां धर्म की व्याख्या करते हुए यह भी कहा गया है कि अपने कर्म को ठीक प्रकार से करना भी धर्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी कार्य करना चाहे तो उसके लिए अर्थ अर्थात पूंजी का होना अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने कार्यभार संभाला तो ये विचार आया कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाओं से जोड़ना है, उनको विकास से जोड़ना है, और जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो समाज की मुख्य धारा है उस धारा में लाना है। उत्तराखंड का जो पलायन है, आप सब लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हमारे पत्रकार मित्र विशेष रूप से जब भी हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं या कभी उनसे संवाद करते हैं तो अक्सर हमसे पलायन की चर्चा जरूर करते हैं। और यह भी सच है कि सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर हैं वो बहुत सीमित हैं, और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित हैं, इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था। और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में ये विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे।
भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने ये आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होनी है वो आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने एक वातावरण बनाने का भी निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं एक वातावरण बने, लोगों का मन बने, और जो भविष्य में देवभूमि को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने एक संकल्प लिया है, विकल्प रही संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सबको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमने इंग्लैंड का भी हमारे प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया था, वहाँ पर 2 रोड शो भी आयोजित हुए थे लंदन और बर्मिंगम में, और वहाँ पर 400 से भी अधिक उद्योग जगत के विभिन्न प्रतिनिधियों से, निवेशकों से हमारा संवाद हुआ था। और लगभग 12,500 करोड़ का तत्काल वहाँ पर निवेश के करार हुए थे। और सब मिला के अगर मैं बात करूँ तो और भी हमको प्रस्ताव मिले जो 20,000 करोड़ से भी अधिक होंगे, और निश्चित रूप से इन निवेशों को, निवेश के प्राप्त होने से, करार होने से हम कहीं ना कहीं यह बात भी सबके सामने कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के अंदर उद्यमी निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है, देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। और ये भूमि जहाँ चारों धामों से आच्छादित है, चार धाम हैं, बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री और अनेकों पवित्र नदियाँ, जागेश्वर धाम, चाहे गंगा जी हो, गंगा जी, यमुना जी, शारदा अवैया, अनेकों नदियों का ये उद्गम स्थल है। हरिद्वार और ऋषिकेश ये हमारा योग का, आयुर्वेद का, आयुष का और अध्यात्म का एक तरह से विश्व की अगर राजधानी के रूप में भी आज कहीं ना कहीं इसको मान्यता प्राप्त है। पूरे देश विदेशों के लोग यहाँ आते हैं, एक हब के रूप में है और विश्व स्तर का पर्यटन स्थल होने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कंपोनेंट, विनिर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे अनेकों क्षेत्रों में निवेश हेतु आज संपूर्ण जगत में एक पसंदीदा पर्यटन स्थल भी है, पसंदीदा स्थल भी है। और हमने राज्य के अंदर कुछ चीज़ों को सरल करने के लिए, चीज़ें सरल हों, लोगों को आसानी से पहुँचों, उसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मूल सिद्धांत को अपनाकर ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से प्रगति की है। इस क्षेत्र में हमने अनेकों कामों को आगे बढ़ाया है। राज्य में काम करने के लिए लाइसेंस आदि के अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में बहुत सुधार किया है और मैं मानता हूँ अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। उसको हम आप सबसे जो भी सुझाव प्राप्त होते हैं उन सुझावों के आधार पर लगातार हम उन पर काम कर रहे हैं, लगातार जो प्रगति हो सकती है उस प्रगति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए भी आवश्यक जितनी भी स्वीकृतियां हैं, वन स्टॉप शॉप व्यवस्था भी हमने प्रारंभ की है। आप लोगों से जो सुझाव प्राप्त होते हैं निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए हमने उद्योग निदेशालय में एक समर्पित इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की है, जिससे आप सभी को राज्य में निवेश करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, कोई परेशानी हो तो उसके माध्यम से जो ये सेल बनाया है उससे कहीं ना कहीं उसके समाधान की ओर आगे को बढ़ा जाए। मुझे यह भी बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टरों में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जिसमें 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे
और राज्य की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाली एनओसी आदि जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए ये आपके सहायक के रूप में होगा। इस आयोजन हेतु हमने राज्य के लिए फोकस सेक्टरों की पहचान की है, जिनमें राज्य की जो पारंपरिक क्षेत्रों में आयुष, पर्यटन, वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मा के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा और साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र इसमें हमने जोड़े हैं। हमने इन फोकस सेक्टर्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो लैंड बैंक है, जिसके बारे में अभी यहाँ पर बताया गया कि 6000 एकड़ का जो हमारा लैंड बैंक है वो बना हुआ है। इसके साथ साथ इस सेक्टर में निवेश योग्य जो परियोजना प्रस्ताव हैं वह भी हमने साथ साथ तैयार किए हुए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशकों के पास में राज्य के विभिन्न निवेश अवसरों का आकलन करने के लिए एक विशिष्ट रेफरेंस उपलब्ध हो। भाइयों बहनों, मुझे यह बताते हुए भी आप सबको खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा जो तमाम प्रकार की हमारी नीतियों में हमने सरलता लाने के लिए, उसको उदार बनाने के लिए और इन्वेस्टर के लाभ के लिए, उनके हित के लिए विगत 4 माह में हमने 27 से भी अधिक जो पॉलिसीज हैं उनको बनाया है या उनको कहीं ना कहीं संशोधन किया है, जिससे कि आप सभी को उत्तराखंड में काम करने में आसानी हो। जिसमें हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, एमएसएमई पॉलिसी बनाई, स्टार्टअप पॉलिसी बनाई, लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई। और राज्य के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शांत वातावरण तो वैसे ही है, आप सभी जानते हैं कि एक अच्छा वातावरण उत्तराखंड राज्य के अंदर है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। जो उद्योग और काम धंधों के लिए जरूरी भी है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड राज्य में हमेशा से ही जो कानून व्यवस्था है वो अच्छे से अच्छी व्यवस्था है और उत्कृष्ट कानून व्यवस्था रही है। और साथ ही उत्तराखंड राज्य में जो हमारे उद्योग हैं और श्रमिक वर्ग है, उनमें अगर विवाद की स्थिति आप देखेंगे तो सबसे कम विवाद वाला राज्य भी अगर कोई है तो वह भी उत्तराखंड है। देश में सबसे औद्योगिक विद्युत टैरिफ सबसे कम है, ये कहीं ना कहीं औद्योगिक अवस्थाओं के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही कि निजी क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने एवं साझेदारी स्थापित करने से ही हम राज्य में आर्थिक प्रगति एवं रोजगार के जो अवसर हैं उसकी सृजन की दिशा में, रोजगार बढ़ाने में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और आप सब लोगों ने अभी जो हमारा यहाँ पर वीडियो प्रेजेंटेशन देखा, उस वीडियो प्रेजेंटेशन में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था, जो आप वीडियो देख रहे थे, जिसके बारे में हमारे सभी अधिकारियों ने, जिन्होंने भी प्रेजेंटेशन दिया, उसका उल्लेख किया। उन्होंने वो बात ऐसे स्थान से कही कि वो केवल शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे, भगवान शिव के प्रांगण से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से शब्द निकले और वो शब्द जैसे धरातल पर उतरते चले गए। आज हमको यही प्रेरणा मिली कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट करें, आप सबके साथ वार्ता करें, देश में, विदेश में, भारत के अन्य राज्यों में जाकर लोगों से बात करें, वहीं हम पर्यटन की बात करें। तो अभी तक हमारा 44 लाख सचिन जी, हाँ, 4 धाम यात्रा का, इस बार का पिछले साल का जो 2022 का हमारा जो आंकड़ा था वो 46 लाख के लगभग था, और इस बार अभी यात्रा हमारी पूरी 1.5 माह की बची हुई है। और 1.5 माह की यात्रा बचे होने के बावजूद भी, और मौसम लगातार खराब रहा इस बार, शुरू में 25 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुले, 27 अप्रैल को बाबा
बद्री विशाल के कपाट खुले, 22 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के खुले, उसके बाद अप्रैल माह में मई माह में लगातार बर्फबारी होती रही और बीच में आप सबको पता है कि इस बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई और उसके कारण से भी यात्रा बीच बीच में हमको रोकनी भी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी 44 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। ये मानिए कि 50 लाख तीर्थयात्री इस बार में बहुत आसानी से 50 लाख का ये आंकड़ा पार हो जाएगा और हर वर्ष ये रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। जितने 21 में आए थे उससे ज़्यादा 22 में आए, 22 में जितने आए उससे ज़्यादा 23 में आए, और ये स्थिति तब है जब बहुत बार हमको यात्रा रोकने का भी अनुरोध यात्रियों से करना पड़ा है कि आप यात्रा में तभी आएँ, क्योंकि हमारे लिए ये भी प्राथमिकता होती है कि जो राज्य में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसानी से हो, उनको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उस काम को हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से मैं कांवड़ यात्रा की बात करूं तो कांवड़ यात्रा में इस बार हमारे यहाँ 4,15,00,000 लोग, बड़ी संख्या, यानी कि पिछले वर्ष 3,75,00,000 थी और इस वर्ष वो 4 करोड़ को पार कर गई। 4 करोड़ शिव भक्त माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं और एक भी कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न हुई है। और पर्यटन की क्षेत्र में मैं बात करूं तो पूरे साल भर इस बार हमारा अप्रैल माह से लेकर जुलाई तक लगातार सारे होटल पूरी तरह से ऑक्यूपाइड थे, 100% ऑक्यूपेंसी रही है। कभी तो ये स्थिति होती थी कि हम लोगों को होटल बुकिंग के लिए भी तमाम जगह से रिक्वेस्ट आती थी, तमाम जगह से लोगों के कॉल्स आते थे कि होटल नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही है, सड़कें इतनी भरी हुई कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी या नैनीताल, रामनगर, मुक्तेश्वर, ऐसे क्षेत्रों में लगातार आवागमन थोड़ा कठिन भी हुआ। उस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए हम अगले आने वाले 25 सालों का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है देश का अमृत काल, जिसको हम लोग सब लोग कह सकते हैं कर्तव्य काल और योजन काल, कि अगले 25 सालों की प्लानिंग, उसकी दृष्टि से भी हम उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छा हमारा पार्किंग की व्यवस्था हो, अच्छे होटल हों, अच्छे आने जाने की व्यवस्था हो, हर प्रकार से अच्छा पेयजल हो, अच्छी पावर की व्यवस्था हो, उन सभी पर एक बड़ी योजना के प्लानिंग के तहत हम काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि दिल्ली वासियों को सबको पता है आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमारा एलिवेटेड सड़क का काम चल रहा है दिल्ली से देहरादून का, उस सड़क के कंप्लीट होते ही दिल्ली से देहरादून की दूरी बहुत कम होने वाली है। हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट जो सिटकुल एरिया में है रुद्रपुर में, वह हमने जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 800 एकड़ जमीन हमने, राज्य सरकार ने उसको ट्रांसफर भी कर दी है। आने वाले समय में जल्दी एक आवागमन का अच्छा केंद्र, जैसे देहरादून का आज एयरपोर्ट हमारा दिन भर में लगभग 40 के आसपास 40 उड़ानें देश के विभिन्न विभिन्न शहरों के लिए देहरादून से हो रही है। चार धाम ऑल वेदर रोडें बन गई हैं और पहले जो लोग गए होंगे और अब जब जा रहे हैं तो एक नया अनुभव लेकर आ रहे हैं। अभी अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब बुद्धिजीवियों के बीच में से, हमारे उद्योग जगत के लोगों से, कि इस बार का जो G20 का समिट हुआ हमारे लिए, व्यक्तिगत रूप से मैं राज्य के स्तर पर बात करूं तो उत्तराखंड राज्य को भी एक नहीं बल्कि 3-3 अवसर हमको उपलब्ध हुए कि 3 बड़ी मीटिंगें हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर आयोजित की और तीनों में जो हमारे डेलीगेट्स आए थे वो एक अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड से गए। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारे यहाँ पर जो काम हुए हैं, या मैं कहूँ कि उत्तराखंड राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भी हो गए, भारत की जो समृद्ध विरासत है, भारत का सामर्थ्य है, उसको पूरी दुनिया ने देखा और हमको भी 3 बैठकें हुई तो, और तीनों में हमारे भी ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो गए। और इतना ही नहीं, मैं जब ब्रिटेन गया था
तो वहां के पर्यटन मंत्री से मिला, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि क्या गजब का आपका G20 का आयोजन हुआ, आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या प्लानिंग थी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को आपका देश दिखा दिया। गर्व की अनुभूति हुई, सीना चौड़ा हो गया, जब दुनिया के दूसरे देशों में भी आज हमारी इस प्रकार की प्रसिद्धि हो रही है। और उसके कारण से मैं उत्तराखंड की बात करने जरूर आया हूँ आप सबसे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण तैयार हुआ है कि आने वाले जो 25 साल हैं वो आज भारत के 25 साल होने वाले हैं, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर भारत के लोग, भारत के अंदर पूरी दुनिया के लोग आज जो है व्यापार के लिए, निवेश के लिए आना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रेरणा है, ये हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही प्रेरणा मिली, जब वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। पिछले दिनों में देख रहा था कि उनका वाइब्रेंट गुजरात का जो हर साल कार्यक्रम जो आयोजित होते थे, उसके 20 साल जब पूरे हुए, और उन्होंने जब शुरुआत में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, इसी प्रकार से जब उन्होंने शुरू किया तो बहुत सारी कठिनाइयां आई। उन्होंने उस 20 साल पूरे होने पर अहमदाबाद में उस कार्यक्रम में जब वो बोल रहे थे तो बता रहे थे लोगों को कि उस समय की जो सरकारें होती थी वो गुजरात में निवेश करने से रोकती थी लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रयास करने से, लगातार आप सब लोगों के साथ संवाद करने से, एक समय ऐसा आया कि गुजरात जो है निवेशकों के लिए एक अच्छा अच्छा स्थान बन गया। उसी प्रकार से हमने उत्तराखंड में भी ये शुरू किया। उत्तराखंड में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए एक पैकेज दिया था, और उस पैकेज के कारण से बड़ी संख्या में राज्य में निवेश हुआ था, उद्योग आए थे। लेकिन यही जो 2014 से पहले थोड़ा राजनीति को देखकर जो काम होता था, सरकारों को देखकर जो काम होता था, दलीय जो प्रणाली है उसके तहत 2010 में यहाँ केंद्र में सरकार थी दूसरी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वो पैकेज आगे नहीं बढ़ा, इसके कारण से कुछ वहाँ पर चेन ब्रेक हुई। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तराखंड राज्य के साथ उनका जिस प्रकार का रिश्ता है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे यहाँ पर आज सड़क के क्षेत्र में, रोपवे के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में जिस प्रकार से आज तमाम विस्तार हुआ है, तमाम विकास हुआ है, तमाम योजनाएं हमारे लिए स्वीकृत हुई हैं, तो आज वहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। और पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यकाल में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। उसके कारण से हमको तमाम तरह से आज आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। दो दो अभी एक एम्स हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में चलता है, मैं आप सबको बताऊँ, ऋषिकेश का एम्स संचालित है, वहीं दूसरा एम्स भी उधम सिंह नगर में, उसका सैटेलाइट सेंटर भी हमारे लिए स्वीकृत हो गया है, उसकी भी सारी धनराशि आ गई है, सारी जमीन की व्यवस्था हो गई है, जल्दी ही उसका निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपेक्षा की है, और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा है, तो बाबा केदार के, मैं समझता हूँ दुनिया में सभी बाबा केदार के भक्त हैं, सभी श्रद्धालु हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इस कथन को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए एक क्षण भी रुके बिना, बिना थके हुए निरंतरता से हम इस काम पे लगे हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जो हमारा ये संकल्प है, ये आप सबके आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता है, आप सबकी शुभकामनाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड के लगभग 125 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से मैं इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की सफलता के लिए आप सभी को 8 और 9 दिसंबर को जो देहरादून में आयोजित हो रहा है FRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा फॉरेस्ट का, उसमें भाग लेने के लिए आप सबको आमंत्रित करने भी आया हूँ, जहाँ आप सब लोग हमारे ज्ञान जी से लेकर जिंदल ग्रुप ने और अनेकों समूह ने हमारे साथ करार किया है, वहीं आपको सशरीर आप सब वहाँ पर उपस्थित हों, यह भी मैं आपको निमंत्रित करने के लिए आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य के विकास एवं समृद्धि को विकसित करने में
क्योंकि देखिए देवभूमि में जन्म लेना, जहां ये किसी के हाथ में नहीं होता कि किसका जन्म कहां होगा, जन्म कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप कर्म करेंगे तो वो जन्म से भी बढ़कर होगा। और ये अवसर भी शायद भगवान ने दिया है, किसी न किसी रूप में आप अपना वहां योगदान देंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए आप सभी को किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।